कांडा क्षेत्र के खुनौली गांव में शीतलेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू हो गई है। ढोल नगाड़ों के साथ गांव में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में कलश यात्रा निकाली। 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में खुनौली सहित अन्य गांवों के ग्रामीण प्रतिभाग कर रहे हैं। वेद व्यास कृष्ण चंद्र पंत ने लोगों से भागवत कथा में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। इस मौके पर ग्राम प्रधान नवीन कांडपाल, गणेश कांडपाल, दयाधर कांडपाल आदि मौजूद थे। श्री 1008 ब्रह्मलीन वेदांताचार्य पुंडरीकाक्षी महाराज की स्मृति में मेरी जन्मभूमि ग्राम खुनौली में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 12 जून से 18 जून तक किया जा रहा है, जिसकी आज प्रातःकाल कलश यात्रा हुई और क्षेत्रवासियों का इस कथा में अपार सहयोग प्राप्त हो रहा है। मेरा सभी जनपद वासियों, ग्राम वासियों, युवाओं से अनुरोध है कि वह इस श्रीमद् भागवत कथा पुराण यज्ञ में उपस्थित होकर के कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करें और 18 तारीख को भव्य भंडारा होगा, जिसमें प्रसाद ग्रहण कर हम सभी को अनुग्रहित करके गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।